दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का जो प्लान है इसमें केवल क्लाइंट ने फ्रंट एलिवेशन हमसे बनवाया है, तो आप एक देख सकते हैं इस तरीके से कुछ फ्रंट एलिवेशन आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो ये वाला साइड में है, यहाँ पे बरामदा है इस साइड में कार पार्किंग के लिए स्पेस बनाया गया, जिसमें आर्च मॉडल का एक पोर्च डिजाइन किया गया है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं ये ग्रिल का पैटर्न यूज किया गया है और ये आपको इस तरीके से ईंट के साथ में आपको डिजाइन मिलेगा। तो इसका मैं एक एक डिटेल डिस्कस करूंगा और इसका सबको डिटेल डिस्कस करूंगा, तो पूरा वीडियो अंत तक देखें। कोई नक्शा बनवाना है तो नंबर मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके नक्शा वगैरह बनवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको मकान की बात करें तो ये आपको इस तरीके से कुछ मकान मिलेगा दोस्तों। ठीक है, क्लाइंट का जो स्पेस है लगभग फ्रंट जो है 25 फीट है, लगभग 1-2 इंची कम ज़्यादा करके। ठीक है, 25 फीट फ्रंट है, जिसमें से ये जो पोर्च है ये 14 फीट 4 इंच में आपका एक पोर्च इस तरीके से बनाया गया दोस्तों। ठीक है, आगे की बात करें तो ये आपको 12 फीट आगे मिलेगा दोस्तों। इसका साइजेस भी मैं आपको एक एक करके बताऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो आप एक बार साइजेस भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपको 14 फीट समथिंग आपको यहाँ पे मिलता है इसका विड्थ। ठीक है, और इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो आपको इस तरीके से ये 12 फीट आपको इस तरीके से मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो चौड़ाई जो है लगभग क्लाइंट का 14 फीट 4 इंची है, लेकिन यहाँ पे 14 फीट है। अगर 1-2 इंची कम ज़्यादा है तो आप 1-2 इंची कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और आगे जो है 12 फीट आपको इस तरीके से मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आप मकान को देख सकते हैं, थोड़ा हाइट पे रखा गया है, लगभग 4-5 फीट है क्लाइंट का। एग्जैक्ट साइज तो नहीं पता, लेकिन फोटो देख करके लगा कि 4-5 फीट है, तो ये मैंने 4 फीट यहाँ पे रखा है। तो इस तरीके से आपका स्टेप हो जाएगा। इसके साइड में आपका यहाँ प्लांटेशन वगैरह तरीके से अपने हिसाब से आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये अब बरामदे की अगर बात करें तो ये आपको स्क्वायर कॉलम यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे राउंड कॉलम नहीं, क्योंकि कॉलम ऑलरेडी कास्टिंग हो गया था स्क्वायर कॉलम में। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से स्क्वायर कॉलम में आपको कॉलम रहेगा। ठीक है, 8 फीट हाइट पे इस तरीके से कास्टिंग होकर रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे छज्जे की अगर बात करें तो ये जो छज्जा आपका बाहर निकल रहा है 1 फीट 2 इंच आपका इस तरीके से बाहर निकल रहा है दोस्तों। ठीक है, और इसमें 3 स्टेप्स इस तरीके से मिलेगा, 1-2-3 3 स्टेप्स इस तरीके से आपको मिलेगा दोस्तों। अब छज्जे की एक बार डिटेल बता दें, इस पोर्च जो आपका राउंड वगैरह बना है कैसे बना है उसको समझा देता हूं। आपका 8 फीट कॉलम कास्टिंग किए गए, टोटल 11 फीट हाइट रखी गई मकान की। ठीक है, 8 फीट हाइट हो गई ये कॉलम की, बचा भी 3 फीट, 3 फीट टोटल 3 फीट है, जिसमें से क्या है ध्यान से समझिएगा, 2 फीट 6 इंची आपको ये स्ट्रेट जो दिख रहा है ये 2 फीट 6 इंची आपका सीधा है। इसके बाद ये 6 इंची आपका ये जो थिकनेस आप देख रहे हैं 6 इंची है, इसमें क्या है 2-2 इंची के 3 कॉर्निस का डिजाइन आपको मिलेगा, 2 इंची का ये, 2 इंची का ये, 2 इंची का ये। ठीक है, तो समझ में आ गया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 8 फीट का कॉलम हो गया, 3 फीट बैलेंस बचा, तो 2.5 फीट ये हो गया और 6 इंची आपका ये हो गया। ठीक है, आगे निकालने की बात करें तो 1 फीट 2 इंच आगे निकाला है, और ये जो तीनों कॉर्निस है तीनों 1-2-2 इंची एक दूसरे से कम ज़्यादा आपके रहेंगे। तो ये 1 फीट 2 इंच है, तो ये 1 फीट 4 इंच है, 1 फीट 6 इंच ये है। तो इसी तरीके से आपका ये बनाया गया दोस्तों। और यहाँ अब इसमें राउंड वगैरह कैसे बनाया गया है, पहले इस दीवार से हमने 1 फीट सीधा किया है। ठीक है, इस दीवार से 1 फीट सीधा जाएगा, फिर 6 इंची आपका ऊपर रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये सॉरी इस दीवार से 1 फीट 2 इंच, एक सॉरी 1 फीट 6 इंच सीधा रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 फीट 6 इंच आपका ये सीधा रहेगा, फिर 6 इंची ऊपर, फिर 1 फीट सीधा, फिर 6 इंची ऊपर, फिर 1 फीट सीधा। इस तरीके से इसको बनाया है। अगर आपको चाहिए तो इसको 2 फीट भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो 2 फीट भी रख सकते हैं या फिर 1 फीट 6 इंच भी आप इसको रख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इसको इस तरीके से राउंड कर दिया गया दोस्तों। और इस साइड की अगर बात करें, इस साइड भी वही सेम पैटर्न रखा गया, 1 फीट 6 इंच सीधा किया गया, 6 इंची ऊपर 1 फीट सीधा, 6 इंची ऊपर 1 फीट सीधा, इसके बाद राउंड कर दिया गया है। लेकिन फ्रंट में क्या है कि थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, क्योंकि फ्रंट में विड्थ ज़्यादा है, इसलिए 2 फीट आपको सीधा करना पड़ेगा। तो जहाँ स्पेस कम है वहाँ 1 फीट 6 इंच है, जहाँ स्पेस ज़्यादा है वहाँ पर 2 फीट करना पड़ेगा। तो फिर सीधा किया, 6 इंची ऊपर 1 फीट सीधा, 6 इंची ऊपर 1 फीट सीधा, उसके बाद राउंड कर दिया गया है। इस तरीके से आपका ये बनाया गया है। और राउंड जो किया गया है ये जो है 8 फीट हो गया, मतलब जो कॉलम का जो भी है इस वॉल से 1 फीट आपका डाउन रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 6 इंची गैप इस तरीके से मिलेगा। अब रेलिंग की बात करें तो इसमें भी आपको ग्रिल जो कॉर्निस का डिज़ाइन आपको इस तरीके से मिल जाएगा, 3 कॉर्निस डिज़ाइन। जब आपकी छत की ढलाई होगी उसी समय आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर सेंटर में आपको इस तरीके से राउंड मिल जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरीके से सेंटर में आपको राउंड मिल जाएगा। बाकी आप डिज़ाइन देख सकते हैं, इसको हमने ईंट से पूरा डिज़ाइन बनाया है, ये पूरा डिज़ाइन आपका ईंट से बनेगा इस तरीके से। बीच में आपको इस तरीके से ग्रिल वगैरह का पैटर्न यहाँ पे यूज किया गया दोस्तों, पूरा ईंट से और ग्रिल का पैटर्न यहाँ पे यूज किया गया। सेंटर में आपका राउंड इस तरीके से रहेगा दोस्तों। ये था पूरा प्लान का डिटेल्ड वीडियो दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो, बिदा लेता हूँ, धन्यवाद दोस्तों।